इनको बोल दो कि प्रेस वार्ता है, शोर ना करें। हेलो, क्यों आ रहे हो? यहाँ से मत जाओ, बीच से मत जाओ। आप इधर आओ ना, लाली इधर आ जाएंगे, इधर इधर आ जाओ, लाली इधर आ जाएंगे, आइए सर, आप आइए, पीछे आ जाओ लोग बोलने, उनको बोलने दें, पास में हम लोग। अच्छा, मैं काम से बोल सर, सर लाइव चल रहा है, ये वाला दे दो सर। अरे यहाँ मत सर, सर सर लाइव ऑन है, लाइव ऑन है, देखो शुरू कर दो। सभी साथियों को का नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आप सभी का हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस स्वागत करता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे बीच में विशेष तौर पर लगातार, चाहे हम प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, युवाओं के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, जो प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने रोजगार के जो वादे किए थे, अभी देखा आपने किस तरीके से प्रदेश के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। उसके बाद देखिए किस तरीके से अग्निपथ योजना को जो युवाओं पे थोपा गया, उसको लेकर विशेष तौर पर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है हमारे बीच में। आज विशेष तौर पर इस प्रेस वार्ता में एक्स आर्मी मैन तमाम जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय लाली जी, विनीत जी, मंजू तोंगड़ जी, और विशेष तौर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी, जिन्हें ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जब से इस केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर जो झूठे वादे किए, उसको लेकर लगातार आदरणीय अध्यक्ष जी पूरे देश भर में युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उसके लिए मैं विशेष तौर पर पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ आपने देखा जो कुल्लू में एक दुर्घटना हुई है, उसमें हमने अपने हिमाचल के उस साथियों को खोया है, उसको लेकर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले एक मिनट का मौन सभी साथी उनके लिए खड़े होकर रखें।
ओम शांति। ओम शांति। प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो आज विशेष तौर पर अग्निपथ योजना को लेकर उसके विरोध में जो आज हमारे बीच में एक्स आर्मी मैन्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस योजना को लेकर आप अपने जो भी आपका व्यक्तित्व है, जो भी आपको लगता है कि किस प्रकार की ये योजना है, आप उसको प्लीज़ ब्रीफ करें। अदनी सर, धन्यवाद। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री महेश भंडारी जी और हिमाचल प्रदेश के युवा लीडर्स और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी श्रीनिवासन जी और उसके अलावा और भी उपस्थित युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, पागल है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस विषय के ऊपर अग्निपथ और अग्निवीर के ऊपर बोलने का अवसर दिया है। और हम भी पूर्व सैनिक हैं, हमारा फर्ज है कि अग्निपथ और अग्निवीर में जो चर्चा चली हुई है इसके ऊपर जितना प्रकाश, हम तो इस सेना से आए हुए हैं, पूर्व सैनिक हैं, हम इसके ऊपर प्रकाश डालें क्योंकि ये देश के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है और देश के जो युवा हैं उनको सही बताया जाए, सरकार उनको सही नहीं बता रही है, पर हम ज़रूर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आपने देखा है 14 जून 2022 को सरकार ने नई अग्निपथ और अग्निवीर सैन्य भर्ती योजना शुरू की है। सबसे पहले मैं तो उसमें ये कहूँगा कि पिछले 2 साल पहले जो हमारे हजारों युवा इसमें मेडिकल और फिजिकल टेस्ट दे करके बैठे थे, 2 साल वो बेचारे इंतज़ार करते रहे और उनकी कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई और ना ही सरकार ने बताया कि आप इसका इंतज़ार ना करें और उनकी एज भी ओवर हो गई, तो उनके साथ ये एक बहुत बड़ा पहला छल है। उन युवाओं को अपना विषय जो है अब वो किस तरीके से करेंगे, कई उनमें से ओवर एज हो गया। अगली बात, हम एक पहाड़ी राज्य में रहते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दो ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं कि जहाँ पर युवाओं में पहला जज्बा जो है सैन्य की सेवा करना, आप इतिहास उठा करके देख लें, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के कारगिल युद्ध तक इन प्रदेशों के जो हमारे युवा हैं उन्होंने क्या क्या कारनामे नहीं दिखाए हैं। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर कोई भी बड़ा उद्योग या बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। अब सरकार कहती है कि हम 4 साल के लिए आपको नई सेना भर्ती के तहत भर्ती करेंगे और 4 साल के बाद उसमें से 25% युवा जो हैं वो आगे रिटेन किए जाएंगे और 75% युवा जो हैं वो वापस भेज दिए जाएंगे। अगर आप ये देखें कि सरकार ये कहती है कि भाई 75% जो युवा हैं हम उनको रोजगार देंगे, हम यहाँ पर पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो पहले पूर्व सैनिक हर साल 50,000 पूर्व सैनिक रिटायर होकर के आते हैं, आपने उनमें से कितनों को रोजगार दिया है, कितने परसेंट को आपने रोजगार दिया है कि जो अब आप 4 साल की सर्विस करके जो युवा आएंगे उनको आप कहते हैं जी 75% को हम कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी देंगे, कोई कहता है हम उनको अपने ऑफिस में चौकीदार लगाएंगे, क्या हमारा सेना के लोग ये चौकीदारी करने के लिए रह गए हैं। तो इस तरीके की कई बातें चली हुई हैं और ये इसमें कोई सत्य नहीं है कि जब हमारे पूर्व सैनिक हैं, मैं प्रदेश का बताता हूँ, अभी कुछ समय पहले मेरी बात भी हुई कि हमारे प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में जो राज्य सैनिक बोर्ड है उसमें अभी 3,000 पद खाली पड़े हैं। अभी अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम तो अभी शुरू हुई है, आप ये बताइए कि पिछले 4-4.5 साल से ये 3,000 पद हमारे पूर्व सैनिकों के लिए ये खाली क्यों पड़े हैं, आप इनको भी रोजगार नहीं दे पाए। तो यही हालत अन्य प्रदेशों में भी होगी, इसमें कोई भी हमें शक नहीं है, हमें कोई संशय नहीं है। मैं पूर्व सैनिकों से मिलता रहता हूं, कोई कहता है जी मुझे 4 साल तक कोई बुलावा नहीं आया, कोई कहता है 8 साल तक नहीं आया। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात से सहमत है कि सेना युवा रहनी चाहिए। कारगिल युद्ध जो हुआ, कारगिल युद्ध के बाद जैसे युद्ध खत्म हुआ उसके 3 दिन के बाद कारगिल
रिव्यू कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में भी ये लिखा गया कि भी सेना युवा रहनी चाहिए, पर ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस रिव्यू कमेटी में क्या है, आप नेट के ऊपर इसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये लिखा गया कि सेना में जो एक सिपाही भर्ती होता है उसको 10 से 12 साल तक सेना में सेवा करने दी जाए, आप यहां 4 साल की बात करते हैं। कारगिल रिव्यू कमेटी में ये मेंशन है कि भी 10 से 12 साल इसमें उनको सेना सेवा में रख करके उनको पैरामिलिट्री में आप नौकरी दें। इको टास्क फोर्स जैसी हमारी जो आर्मी की यूनिटें हैं, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में है, उसमें नौकरी दें। वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऐसे जो विभाग हैं हमारी सेना प्रशिक्षित है, उसमें आप उनको एडजस्ट करें, उनको पे पेंशन ये सारे दें। अगली बात आ गई 4 साल की, 4 साल में आपको मैं बताऊं 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग का उसमें बताया गया है, 4.5 साल में कुल नौकरी में आपकी 2.5 साल की जो नौकरी होगी, 1.5 साल आपकी छुट्टियां हैं जिसमें एनुअल लीव है, जिसमें सीएल है, उसके अलावा त्यौहार है, इतवार है, शनिवार है, ये सारी छुट्टियां, तो 1.5 साल आपका छुट्टी में चला जाता है, तो 2.5 साल की आपकी नौकरी होगी। अब 2.5 साल का जो जवान तैयार होगा वो कैसे करेगा? आप कहते हैं जी वो बंदूक चलानी सीख जाएगा। बात यहां बंदूक की नहीं है, इन्फेंट्री में स्मॉल आर्म्स के अलावा आप ये बताएं, हमारे आर्टिलरी के जवान बैठे हुए हैं यहां पर, आर्टी की गने हैं, आर्मर्ड के टैंक हैं, उसको चलाने के लिए, उसका प्रशिक्षण लेने के लिए जो है, एक रिक्रूट को सिपाही बनने के बाद कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं, तब जाकर के वो प्रशिक्षित होता है। अगली बात, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, उस केस में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई ऐसा मुद्दा हो, क्योंकि सेना हमारे देश का एक ऐसा अंग है जिसके ऊपर देश टिका हुआ है, और हमारा जो पड़ोसी देश है उनसे हम घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और पाकिस्तान इसी से डरता है कि हमारे जो सैनिक हैं ये बहुत प्रशिक्षित हैं, पुरानी जो भर्ती है उसके तहत हमारी जो ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग या हथियार की ट्रेनिंग है, वो बड़ी पुरानी है, और 200-250 साल से ये भर्ती चल रही है इस तरीके की है। आप उस सिस्टम को ख़त्म नहीं करें। नाम, नमक और निशान हमारे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में बोला जाता है, नाम, नमक और निशान जो है ये किसी भी सेना की, किसी भी रेजिमेंट या यूनिट की बैकबोन है, और इन्फेंट्री पूरी इंडियन आर्मी की बैकबोन है, आप इसकी बैकबोन को नहीं छेड़ें, नहीं तो इसका आने वाले समय में विषय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और यदि कोई आप पूछना चाहें तो मैं उनके जवाब आपको धन्यवाद सर। प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी को क्यों प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मैं एसके सेगल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ साथ में हमारा पत्रकार साथी लोग को, हिमाचल है तो एक, मैंने अब दूसरे स्टेट में भी, कल मैं आसाम में था, हिमाचल का जिगर किया प्रेस मीट में, वहाँ बरक वैली में हम लोग ने रिलीफ वर्क कर रहा था, वहाँ चैनल जो वहाँ स्थिति है वो नहीं दिखा रहा था, तब मैंने बोला जो बीजेपी राज है वहाँ हिमाचल और मैं और एक स्टेट का नाम लिया, वह दोनों को दिखाते उसी एंगल से या भी आसाम में दिखाना चाहिए करके मैं सभी पत्रकार साथी, और बहुत सारी विस्तार से अग्निपथ को लेके सेगल साहब ने आपके सामने बात रखी। यही सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का जो बात किया था, वन मैन वन पेंशन, वन मैन वन रैंक का बात किया था, ऐसे कौन सा स्कीम इन लोग ने लेके आया, इसमें कोई पेंशन नहीं है, कोई रैंक नहीं है, इस तरीके का जो स्कीम है
मेरे को लगता है इस देश का युवा को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा रोड मैप बना के लाया ये बीजेपी सरकार ने। क्लियर इस पे दिख रहा है, जो सेगल साहब ने जो बात रखी इसे क्लियर हो रहा है। मैं ये कहता हूँ इनके जो कुछ मंत्री लोग हैं इसके बहुत अच्छे गिना रहे हैं, देश में पीसी कर रहा है, अग्निपथ ऐसा है, अग्निवीर ऐसा है। मैं यहाँ इस प्रेस वार्ता से मैं सारे बीजेपी लीडर्स को मैं निवेदन करता हूँ, बहुत अच्छा स्कीम है ना, सारे आपके बच्चे लोग को जो भी काम कर रहे हैं उसको इस्तीफा दिला दे, वहाँ सबको अग्निपथ ज्वाइन करा दो, बहुत अच्छा है स्कीम। अमित शाह का बेटा को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीसीसीआई सेक्रेटरी को इस्तीफा दे दे, या भी ऑफिसर के काम बने, अग्निपथ स्कीम से ज्वाइन हो जाए। तो हमेशा इस देश का युवा के ऊपर कुछ ना कुछ थोपने का काम ये सरकार ने कर रही है, ये बिल्कुल इस देश में सही नहीं जा रहा है। यही लोग बोलते हैं मेरे ऑफिस में, उनके पार्टी के ऑफिस में चौकीदार इंडियन आर्मी का सोल्जर्स को किस तरीके के भाषा में इनके मंत्री यूज करता है, कभी सोच सकते हैं? हम आज भी कोई इंडियन आर्मी का सिपाही देखे हम खड़े होके उनको सल्यूट मारते हैं, क्यों? इस देश का सुरक्षा के लिए, देश का सेवा करने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस, घर परिवार सब कुछ छोड़ के सीमा में वो लोग दिन भर रात काम करने का काम, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडे पे वो काम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को लेके इस तरीके का जो टिप्पणी कर रहा है तो कहीं ना कहीं दुखी होता है। उसके बाद में उनको कोई उसको ना इस तरीके के बात ना करे करके इनका जो संस्कार पार्टी कहते हैं इन लोग ने, तो यही संस्कार है वो तो वो लोग बताता नहीं है, इस तरीके के बात मत बोलो भाई, वो भी कुछ भी बोल देता है इन लोग ने। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनका जूट फैक्ट्री है उस पर जो भी कुछ आएगा वो बता देगा। ये वादा हम नहीं किया, जो 2 करोड़ का नौकरी का वादा वो उन्हें उन लोग ने किया, साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा उनने किया, कितने नौकरी दे पाए? 8 साल हुआ, 8 साल में इन लोग ने जानलेवा नोटबंदी लाया, नौकरी छीनने का काम किया, गब्बर सिंह टैक्स लेके आया नौकरी छीनने का काम किया, और कोरोना 1 आए, कोरोना 2 आया, और उसके बाद नया स्कीम लेके आ रहे। मींस सुबह एक झूठ बोलेगा नरेंद्र मोदी साहब ने, एक झूठ बोलेगा सुबह 12 बजे अमित शाह जी आएंगे वो एक झूठ बोलेगा, शाम को नड्डा साहब आएगा 6 बजे वो एक झूठ बोलेगा, बाद में इनका जो मेंबर्स है कोर ग्रुप का जो यूनिवर्सिटी का, वो लोग रात भर मीडिया में आके झूठ बोलने के अलावा इस देश का युवा का हित में और इस देश का हित में कोई एक ऐसा स्कीम हो, कोई एक ऐसे काम बता दे 8 साल में इस देश के लिए किया क्या, इस देश को लूटने के अलावा किया क्या, धर्म के नाम पे भी किस तरीके का राजनीति इन लोग ने किया, उदयपुर का जो इंसिडेंट में किसका नाम आए, अभी जम्मू कश्मीर में किसका नाम आए, राष्ट्रवाद का नाम पे इन लोग ने दुनिया भर का जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, अभी इनका पर्दा साफ हो गया है। मैं इन सरकार को पूछना चाहता हूँ, हिमाचल में कितने लोगों को आप लोग ने नौकरी दिया ये तो बता दो आंकड़ा। साहब ने बता दिया एक सर्विसमैन 4,000 लोग, अभी 3,000 लोग अभी उन तक कभी नौकरी नहीं दे पाया इन लोग ने। जो कोरोना काल में जो किस तरीके के लोग या टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट का तमाम चीजें होटल से लेके तमाम लोग कितने परेशान थे, तब इन लोग ने जो उनको पैसा देने का इन लोग ने बात किया, नोटिफिकेशन निकाल आया, कितने लोगों को इन लोग ने मदद करने का काम किया, कभी एक भी इनके पास अभी तक आंकड़ा नहीं। आप पूछेगा 11 बार हम लोग ने आरटीआई लगाया है इन लोगों को, एक नहीं 11 बार,
9 बार कोई रिप्लाई नहीं दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन ही देने को तैयार नहीं है, तो इनके पास कोई पेपर ही नहीं है, किसी को नौकरी ही नहीं दिया। नौकरी देने का बात आ गई, एग्जाम नोटिफिकेशन हो गया, एग्जाम होगा, एग्जाम पेपर लीक हो जाएगा। ये पेपर लीक सरकार है क्यों? तो बीजेपी सरकार कहाँ कहाँ है, वहाँ हर स्टेट में पेपर लीक हुआ है। आप गुजरात में देखो 35 टाइम्स पेपर लीक हुआ है। ऐसे क्या है भाई, एक व्यक्ति 16 बार उसका नाम आता है, उसको कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं, लगता है मेरे को इसके पीछे इन लोग ने इन्वा ले करके। हिमाचल में भी हुआ, हिमाचल में हुआ है 10। कितने बार हुआ? 10 बार। 10 बार तो और 4 बार हो सकते हैं चुनाव के अंदर वो भी सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हिमाचल का युवा का बारे में कभी इन लोग ने सोचा क्या? घर परिवार में तैयारी करता है, 4 साल लगता है, 5 साल लगता है, माँ बाप इस बार मेरा बेटा को नौकरी लगेगा, इसको अच्छी तरह से मेहनत करा दो, दिन भर रात उनके पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट करेगा, पेपर वो एग्ज़ाम लिखेगा, इनके लोग पेपर लीक करेगा, बाद में वो बंद हो जाएगा एग्ज़ाम। ये उत्तराखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, हर स्टेट में, कर्नाटक में। तो मैं कर्नाटक से आता हूँ, वहाँ तो 40% सरकार हो रही चल रहे, आप कुल्ले पे कुछ भी देगा पैसे वहाँ कुछ काम हो जाए, कोई पढ़ने का गिरने का, अभी ऑफिशियल सरकार ने वहाँ शायद सर्कुलर भी निकाल देगा। इस तरीके का जो सरकार चला रहा है, जनता इस बार देख रहा है ध्यान से, बीजेपी के जो 4.5 साल में जो हालत यहाँ किया है, महंगाई, किसी के पास अभी पैसा नहीं है, उसका महंगाई इतने आसमान छू रहा है, कमर तोड़ का महंगाई है। तो आज भी 50 रुपए बढ़ा दिया सिलेंडर पे, 50-100 रुपए, 50 रुपए 150 रुपए बढ़ा दो, उसमें बीच बीच में ये लॉकडाउन, जब चुनाव आ जाएगा लॉकडाउन लगाते हैं, थोड़ा उसका प्राइस राइज करना बंद कर देता है, बाद में तुरंत करना है। अभी चुनाव आने वाला है, अभी इसके बाद थोड़ा इसको 20 रुपए कम करेगा, हमने कम कर दिया बोले गए, तो 100 रुपए बढ़ा के 20 रुपए कम करने का काम इन लोग ने किया है, और कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो घोटाला भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तो मैं ये सरकार और अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को मैं पूछता हूँ, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको, पुराना दिन लौटा दो साहब। सिलेंडर 50 रुपए, वही 50 बढ़ा, इसीलिए कह रहा हूँ पुराना दिन ही दे दे, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको। 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख नहीं चाहिए साहब, हम सब लोग 15 लाख कलक करके आपको वापस दे देते, आप तो वादा किया नहीं दे पाए, हम सबसे भीख मांग लेते हैं, 15 लाख सरकार को ही वापस देता है। इस तरीके का जो आप लोग ने टीवी में आके, ये टेलीविजन सरकार है, टीवी में आना, स्कीम लेके आना, टीवी में आना, वापस लेके जाना, इसके अलावा कोई ये नहीं है। जो हिमाचल के लिए विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है, तो जनता भी समझ चुका है। काला धन का बात किया, अभी स्विस बैंक में कितने गुना बढ़ चुका है, कितने इन लोग ने कर्जा ले लिया है अभी सरकार, ये लोग 8 साल में, पहले कितना लाख करोड़ कर्जा था, इन लोग आने के बाद कितना हो गया। मीन्स नाम चेंज करना, सेल करने के अलावा, इस देश को बेचने के अलावा और कुछ नहीं किया है। मैं सारे हिमाचल वासी से मैं निवेदन करता हूँ, हमको संविधान को बचाना है, इस डेमोक्रेसी को बचाना है, हिमाचल का युवा को, फार्मर्स को, महिला को, सभी वर्ग को, छोटे छोटे बिजनेस, टूरिज्म, जो भी बिजनेस करे, सबको बचाना है। तो इस बार इस बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम जनता करना है। तो मेरे को हर जगह दिख रहा है किस लेवल पे लोग कांग्रेस के तरफ से आ रहे हैं, जो चर्चा कर रहा है 100% या सरकार बनेगी, और बनते ही हिमाचल का युवा को और किसान को, सभी वर्ग, सभी समाज लोगों के हित में जो काम करने का, और एक उनके जो क्या चाहते हैं युवा, उनके बात को सुन के उनका काम करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी।
और बोलने के लिए इनके एक नहीं है, बहुत लंबा है। तमाम जो आज सबसे ज़्यादा अग्निपथ पे था, इसीलिए सेंगल साहब ने विस्तार से आप लोग के सामने बताया। क्यों तो आप 1971 मार्च से लेके तब भी आप जो आंकड़ा निकाल के देखेगा, हिमाचल उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा लोग वहाँ हमेशा देश के लिए सेवा करने से शहीद, ऐसे समय में शहीद भी हुआ है। ये कितिया से वीर भूमि है हिमाचल, तो ऐसे जगह पे इस तरीके का देशभक्त के नाम पे राजनीति करना और उसी तरफ से पीछे से इनका चेहरा अलग दिखाना, ये अच्छा नहीं है। सेगल साहब, आपका जो भी अग्निपथ को लेके जो भी आपका सवाल है, वो सवाल को एकदम उसी पे बहुत साल इनका संघर्ष और इनका सेवा रहा है हर चीज़। और हमारा दोस्त साथी आया, उनको भी मैं कहता हूँ आपका जो भी बात है तो आप उसको लेके ही बात। किस तरीके के इन लोग ने हॉर्स ट्रेडिंग किया है आप सब जानता है। नॉट ओनली आप महाराष्ट्र का बात नहीं है, इससे पहले गोवा, मणिपुर, कहाँ कहाँ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कोरोना संदर्भ में वहाँ लॉकडाउन लगने का था, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हटा के सरकार बनाने में सरकार खुद लगे थे। कर्नाटक में जो विधायक को लेके कहाँ गए थे वो पूरा दुनिया जानते है। 60 करोड़, 100 करोड़ कहाँ से ला रहे हैं लोग इतने पैसे। एकदम विधायक वो 25-30 लाख 40 लाख में विधायक बनता है, उसको 60 लाख दिखा देगा ये सरकार ने। इंस्टीट्यूशन को कब्जा करेगा, ईडी सीबीआई को कब्जा करके इस तरीके का दबाने का कोशिश करेगा। तो अभी वहाँ असम में पूरा डूब गया था, तीनों जिला पे सिलचर, आलाकांडी, बरक वैली में, वहाँ लोग रो रहे हैं। 70% पानी में डूबा है। वहाँ महाराष्ट्र का विधायक वहाँ लेके गया असम में, वहाँ बैठ के सरकार बनाने का काम किया। मीन्स ये सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो जनता को भी समझ में आ रहा है। इस बार पूरा हिमाचल में वन साइड सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को देगा, क्योंकि एक ही मेरे को लगता है इस बार जनता ने डिसाइड किया है, इस तरीके का चांस उनको ना दें। सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी से लेके सारे कांग्रेस लीडर, तमाम कार्यकर्ता ने इस देश का युवा को समझाने का काम विद सड़क पे उतर के हम लोग ने किया है। मैं हिमाचल में ही, उत्तराखंड में हमने ऑलरेडी उसके लिए लाली जी है, निगम भंडारी और विनीत, इन लोग ने कोऑर्डिनेटर लगाया, बना के असेंबली वाइज कोऑर्डिनेटर लगाया है। घर घर तक जाएगा जो युवा, हमने लिस्ट बना रहे पूरा। अभी तक कितने लोग ने जो पहले तैयारी किया था उन लोगों का टेस्ट हो गया, सारे लोगों का लिस्ट बना के अभी कौन कौन अप्ले किया था, अभी इसके विरोध में सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाया था उन तमाम लोगों का लिस्ट बना के उन लोगों के पास हमने, और साथ में नया जो युवा है उनको समझाने के लिए घर घर तक जाने का काम हम लोग ने कर रहे हैं। बताएंगे आप 10 बार कौन से पेपर लीक हुआ, इसमें यूथ कांग्रेस का एजिटेशन, वो बीच
इसको लेके पेपर लीक को लेके निगम भंडारी के नेतृत्व में बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ है, उसको लेके बताइए। एक तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले JYT का पेपर लीक हुआ, शास्त्री का पेपर लीक हुआ, अंडर ग्रेजुएट के पेपर लीक हुए, कंडक्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ, ऐसे अनेकों पेपर लीक हुए हैं, वो आप लोग भी जानते हैं। उसमें भी SIT सरकार के द्वारा गठित की गई, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। और जहाँ तक बात थी कि युवा कांग्रेस ने जो ये आंदोलन शुरू किया था, 15 दिन लगातार भूख हड़ताल में पूरे के पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस के साथी बैठे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर दौरा था, युवा कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिया गया, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री आ रहे, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, उसको लेकर हमने जो हमारी लड़ाई थी उसको लेकर हमने उसको कुछ समय के लिए रोका था। और जब देखा आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार से DGP महोदय ने किस प्रकार से गोलमोल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद युवा कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें हमने बताया कि आगे इस लड़ाई को हम किस प्रकार लेके जाएंगे। हमने कहा भी युवा कांग्रेस की यात्रा भी होनी है, युवा कांग्रेस की यात्रा होनी है पूरे के पूरे प्रदेश भर में, रोजगार यात्रा। उसके माध्यम से हमने कहा जो पेपर लीक का जो मुद्दा, जो लाखों युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको हम घर घर जाकर संवाद के माध्यम से युवाओं के बीच लेके जाएंगे। युवाओं से निवेदन करेंगे कि जो एक गूंगी बहरी सरकार है, जो हिटलर शाही सरकार है, किस तरीके से आप देखिए जबरदस्ती 170 में से 116 जो इन्होंने पकड़े, उसमें से वो भी सिर्फ मात्र स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी इन्होंने स्टूडेंट्स को पकड़ा, पर जो इसमें बड़े अधिकारी सम्मिलित थे, जो इसमें बड़े नेता सम्मिलित थे, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। और दूसरी बात, जो CBI जो जांच की, जो केंद्र सरकार से इन्होंने, प्रदेश सरकार ने मांग की थी, इन्होंने पूरे के पूरे प्रदेश को मूर्ख बनाने का काम किया। अभी तक ये नहीं मालूम कि CBI जांच कर रही है कि प्रदेश की पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो इस लड़ाई को हमने पहले भी कहा कि आगे जो यात्रा होनी है, जो हमारा बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम है, उसके माध्यम से घर घर तक हम युवाओं से निवेदन करेंगे कि जो सरकार है, जो युवाओं के खिलाफ जो सरकार है, इसके खिलाफ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर उखाड़ फेंकने का काम पूरे के पूरे रोजगार के माध्यम से युवाओं से निवेदन करके किया जाएगा। यूथ कांग्रेस में ऐसे कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है। जो मजबूती साथी से जो चुनाव लड़ सकता है, जो जीत सकता है, जो सर्वे चल रहा है, सर्वे में जो नाम आएगा, ऐसे पोटेंशियल लोगों को हमने पैरवी करने का काम हम करेंगे। ऐसा कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है। हम दोनों लड़े हैं। यहाँ बैठे है इस मंच में, लाली जी अभी चुनाव लड़े गढ़शंकर से पंजाब में, बहुत कमी वोटों से आ रहे हैं वहाँ, और विनीत जी भी हरियाणा से चुनाव लड़े। तो जमीन में और सबके तरफ से नाम आएगा, सर्वे में नाम आएगा, ये अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ कोई भी हो। एज ए मेंबर भी हमने मौका देने का काम, राहुल जी के हमेशा सोच है सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है, युवा है, उसको मौका देना, वो पहले भी हुआ आगे भी हुआ। कौन सा PYC का हमारा सिस्टम में सिस्टम यूथ कांग्रेस में ख़त्म होगा, वो सीनियर में जाएगा। ऐसे ही NSUI का जो साथी का उनका वहाँ टेन्योर ख़त्म हो जाता है, उसमें हमारा सिस्टम है उनको हमने यूथ कांग्रेस में लेने का। अभी NSUI का नेशनल ऑफिसर, ऑफिस बेरर और स्टेट प्रेसिडेंट को भी हमने नेशनल पे कम से कम इस नया कमिटी में 8 लोगों को मौका दिया है।
ऐसे वो हर स्टेट में होता है, ऐसा नहीं है शायद, पता नहीं अभी तक ऐसे थोड़ा भी डिफरेंस होता था मेरे पास आ जाता। इलेक्टेड पे मैं बताता हूँ, ऐसे इलेक्टेड इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में मैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है यूथ कांग्रेस का कि चुनाव जीत के जो साथी आता है हम उसे एक साल तक कोई भी अपॉइंटमेंट स्टेट में नहीं करते, पर हिमाचल में हमने अपनी इलेक्टेड बॉडी को दो साल तक इंडिपेंडेंटली काम करने दिया। अब आगे चुनाव आ रहे हैं, हमें नए साथियों की ज़रूरत है, ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं विधानसभा वाइज अपने ऑब्जर्वर और इंचार्ज लगाने हैं, इसलिए हमने ये सूची में कुछ लोगों को प्रमोट कराया है, कुछ लोगों को नए लाए हैं, कुछ लोग जो निगम जी के साथ पिछले दो साल से काम कर रहे हैं उनका काम मैंने एज ए इंचार्ज देखा, अवनीत जी ने देखा, उन लोगों को लेके आए हैं। तो अभी ये सूची में और भी नाम ऐड हो सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवार हमारा जितना बड़ा हो जाए उतना ही कम है, और इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड वाले सभी मिलकर काम करेंगे। जो भी हमारा कोऑर्डिनेटर्स ऑलरेडी वो अलग वहाँ ऑब्जर्व कर रहा है, एक सर्वे टीम पे भी हमने भी बुलाएगा, यहाँ बुला के यूथ कांग्रेस का साथी काम सर्वे कराते हैं, और एआईसीसी का भी जो सर्वे है वो भी कंसीडर हो। राहुल गांधी के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, देखिए किस तरीके का, जो आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी इस देश का सबसे बड़ा वरिष्ठ नेता और विजनरी लीडर है। अब राहुल जी का 15 साल का आप जो भी उनका बाइट आप निकाल के देख सकते हैं, आज तक एक झूठ नहीं बोला है। जो अपोजिट जो ये इनका आरएसएस और बीजेपी का लोग है, हमेशा जो ये लड़ाई किसके लिए, झूठ को सच बनाने का ही काम है आरएसएस का, और सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इनके लिए दिन भर रात, मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया, अमित शाह साहब आएगा सुबह 10 बजे एक झूठ बोलेगा, 12 बजे अमित शाह जी भी बोलेगा, बाद में नड्डा साहब 4 बजे बोलेंगे, रात में इनका कोई गोबर पात्र से लेके तमाम ऐसे जो आइटम लोग है वो कुछ भी बोलने का, इन लोगों को बोलने के अलावा वो तो थोड़ा भी उनको शर्म होना चाहिए जो क्या पूरा देश के मीडिया के सामने जो बात रख रहा है वो क्या बोल रहा है, थोड़ा तो सोचेगा नहीं है, नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सच्चे, मीन्स पता चलता है। अभी राहुल जी के मामले में भी इस तरीके का इन लोग ने जो काम किया है, इन लोग ने जो आप इस देश के लिए एक अच्छा लीडर बनना है, अच्छा इनका पार्टी बनना, अच्छा ये लोग ने मैसेज देना, देश को बचाना है, तो ऐसे ऐसे नया स्कीम से लेके देश को आगे बढ़ाने का काम इनको करना है, उनके पास वही नहीं है, विजनरी नहीं है, टेलीविजन है। मैं एक बार मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब एक बार बर्लिन से चश्मा मंगाए थे 2.5 लाख का, जो ग्रांड हुआ था ग्रांड को देखने के लिए, वो बाद में कुछ वेदर के वजह से क्लाउड के वजह से नहीं देख पाई, ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। यूथ कांग्रेस से हम भी वो 5 लाख का वो दुनिया से कहीं से भी मैं लेके देने को तैयार हूँ चश्मा। एक बार देश का हालत, इनका जो संघ परिवार का जो झूठ बोल रहा है, राहुल जी को ये लोग अकेले को अटैक नहीं कर रहे हैं, नेहरू जी से ही, नेहरू जी के परिवार के बारे में इन लोग ने क्या क्या बात किया, ऐसे परिवार में स्वतंत्र संग्राम में पूरा संपत्ति देश के लिए समर्पित किया, और नेहरू जी 9-9 साल के ऊपर अधिक दिन जेल में रहा इस देश के लिए, इनका कोई एक बताइए, एक निदर्शन बताए इस देश के लिए, कोई इनका पार्टी का एक नेता जेल गया क्या, इनका नेता जाने का दूर तक नहीं, देश के लिए कोई मरा है क्या, हाँ 2 पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहादत हुआ, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, इनके गरीब इनके घर में ये लोग मरना देश के लिए बहुत दूर की बात है, इनका घर का कुत्ता तक नहीं मरा है आज तक,
ये लोग देशभक्ति का बात कर रहे हैं, मीन्स ऐसे बोलने हैं तो बहुत कुछ है। ये लोग ने क्या है इस देश को कहीं ना कहीं किस लेवल पे इन लोग ने बर्बाद करना चाहता है, ये संविधान को खत्म करना चाहता है। तो उसके लिए जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी रहेगा। किसी के हाथ से इस कांग्रेस पार्टी को ये नहीं कर सकते। हम इस देश को, युवा को बचाना, संविधान को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना और सभी वर्ग सभी समाज को बचाना, सब इस देश को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए सभी हम कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। सेंगल साहब से आपका कोई